फिनल है, मैंने इस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। योगी सरकार का बड़ा स्टंट, गरीबों को रिझाने घर घर पहुंचेगी सरकार। आरएस में केंग रिपोर्ट पेश, यूपीए से सस्ती एनडीए की राफेल। शातिराना चोरी, शराब की दुकान से 10 लाख की चोरी के बाद सीसीटीवी सेट उड़ा ले गए चोर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली गाजियाबाद, अब तक आपको अपने कामों के लिए सरकारी महकमों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार हर महीने आपके घर आएगी। इस तरह लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तमाम वोटर्स को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री की ये नई पहल शुरू की है। गाजियाबाद में आज खाद्य एवं रसद मंत्री अतुल गर्ग गली मोहल्ले में नजर आए। नई दिल्ली राफेल डील पर सरकार ने बुधवार को सीएजी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की। इसमें कहा गया कि मोदी सरकार का राफेल सौदा यूपीए सरकार की तुलना में सस्ता है। बता दें, आज लोकसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में राफेल पर विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार के पास इस पर अपना बचाव करने का भी मौका है। नई दिल्ली राजधानी में साउथ ईस्ट जिले के तुगलकाबाद इलाके की एक शॉप की दीवार तोड़कर चोर लगभग 10 लाख का कैश चुरा कर फरार हो गए। पूरी घटना रविवार रात की है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी दिल्ली में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तुगलकाबाद इलाके में जब लोग रात के अंधेरे में चैन की नींद ले रहे थे, उसी दौरान चोरों का एक गैंग अपने अनोखे अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। चोर बड़े शातिराना तरीके से पीछे के रास्ते से दीवार तोड़कर दुकान में दाखिल हुए। शराब की दुकान में पहुंचे चोरों ने तिजोरी का ताला तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए पर हाथ फेर दिया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूले। तब तक के लिए।